देखो मेरी पतंग ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मजे से जाती है। लो तुम भी उड़ाओ। नहीं नहीं मेरे से नहीं उड़ेगी। अरे कोशिश तो करो। खींचो खींचो धागा ऊपर खींचो। मिस्टर चड्डा पता नहीं क्यों इतनी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। लो बच्चों ये खाओ तिल के लड्डू। तिल के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भाई आज मकर संक्रांति है तो इसलिए मैंने खूब सारे तिल के लड्डू बनवाए हैं। जितने चाहो उतने खाओ। थैंक यू दादाजी। वीर पतंग छत पर उड़ाने से छत से नीचे गिरने का खतरा रहता है। हाँ? पतंग हमेशा जो है वो मैदान में जाकर उड़ानी चाहिए। हाँ ओके दादाजी हम मैदान में जाके पतंग उड़ाएंगे। वीर वीर मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। चलो मैदान में चल के उड़ाते हैं। नहीं मैं तो यहीं से उड़ाऊंगा। आज इन्हें रंगे हाथों पकड़वा कर ही रहूंगा। बिना धागे की पतंग कैसे उड़ाई? बिना धागे के कैसे उड़ाई? चिंटू देखो उसने फिर देख लिया। जादू करते समय ध्यान तो रखा करो। आज उसे पूरा जादू दिखाई देता हूँ। अरे चुलबुल ये लो धागा पतंग से बांधो। चुलबुल कैसे बांधेगा? पतंग तो आसमान में है। जाओ बंटी तुम भी जाओ चुलबुल का साथ दो। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। बच्चों चुलबुल तुम्हें टक्कर मार के गिरा देगा। जिंटू क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जादू का मिसयूज करना अच्छी बात नहीं है। वो रोज रोज हम पे जासूसी करता है ये अच्छी बात नहीं है। आज उसे सबक सिखा के ही रहूँगा। पतंग में धागा तो है और चुलबुल तो छत पे खड़ा है। क्या हुआ आंटी? ये कह रहा था चुलबुल पतंग पे धागा बांधे आसमान में गया और ये भी धागे पे चल के आसमान पे गया। पता नहीं क्या क्या बक रहा था। आंटी वो छत पे सो रहा था उसने सपना देखा होगा। तुम भी ना टाइम बर्बाद करते हो मेरा। कान पकड़ो और मेरे साथ चलो। पतंग के धागे पर कोई चल सकता है भला? मम्मी मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ इतना क्यों चिल्ला रहा है? तुम नीचे तो चल आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। प्लीज अपने जादू का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए फिर मत करना। ओके बॉस। मुन्नू शर्म नहीं आती? तुम मेरी पतंग लेकर घूम रहे हो। ये मेरी पतंग है मेरे पापा ने दी है। कैकी ये पतंग किसकी है? ये तो तुम्हारी है। लाओ इसे। वीर हमें मुन्नू की मदद करनी चाहिए। क्या हुआ मुन्नू तुम इतने उदास क्यों हो? मेरे पापा ने मुझे पतंग दी थी सब बंटी ने छीन लिया। तुम चिंता मत करो मैं पतंग उड़ा के सब की पतंग काट दूंगा और वो पतंग तुमको ला के दूंगा। सच वीर? सच मुझ आ मेरे साथ। तक दिना दिन दिन मैं हूँ जिन मैं हूँ जिन। अरे हमें मालूम है रे बाबा बार बार क्यों बताते हो। बॉस क्या काम है बोलो। मैं यहाँ बंटी और उनके दोस्तों की पतंग काटूंगा और तुम उन कटी पतंगों की डोर मेरी डोर से बांध देना ठीक है? फिर मैं वो पतंग नीचे खींच के ले आऊंगा और मुन्नू को दे दूंगा। वीर आओ पेच लड़ाओगे? हाँ क्यों नहीं। मेरी पतंग काटना इम्पॉसिबल है। दादाजी हमेशा कहते हैं थिंक पॉजिटिव इम्पॉसिबल खुद पॉसिबल हो जाता है।